तमाम मंच पर बैठे हुए सारे पदाधिकारीगण और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सोरन कसाना साहब और प्रभारी राष्ट्रीय प्रभारी बबली कसाना जी, जिला अध्यक्ष भाई अरविंद सेक्रेटरी सतीश जी और जो संचालन कर रहे साथी और तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए क्षेत्र के सम्मानित नौजवान बुजुर्ग और मातृ शक्ति, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूं तो बहुत टाइम लग जाएगा और वक्ता बहुत है। साथियों, आज एकता संघ के संगठन का स्थापना दिवस है। इस मौके पर, स्थापना दिवस के मौके पर संगठन के लोगों को कुछ संकल्प लेने चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प लिए संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। संगठन एक विचारधारा है और जब संगठन एक विचारधारा के रूप में आप चलाओगे तो आपका संगठन बहुत ऊंचाई छू सकता है। जहां व्यक्ति विशेष हो जाता है वहां संगठन बौना हो जाता है। मैं बधाई देता हूं इस संगठन को कि आप लोगों ने क्षेत्र में जितना काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है। अभी हमारे पूर्व साथी भाई राजकुमार भाटी, जो हमारे बहुत बड़े सीनियर साथी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि बहुत सारे संगठन हमारे बीच में बनने हैं। भाई हरबीर भाई जो अजगर संगठन से आए हैं, ऐसे सैकड़ों संगठन जिले के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि संगठन ज्यादा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन संगठनों को लड़ने के लिए एक विचारधारा होनी चाहिए, एक डिमांड होनी चाहिए। जहाँ हम जिले के अंदर देखते हैं कि जिले के अंदर बहुत सारे प्राधिकरण बन गए हैं और पड़ोसी जिला बुलंदशहर गाजियाबाद को भी ये जिले, ये प्राधिकरण प्रभावित करेंगे। सरकारें बनती रहती हैं, सरकारें अन्य पार्टी की आती हैं, सरकार किसी भी पार्टी की आओ वो प्राधिकरणों के माध्यम से किसानों को नुकसान देती है। चाहे किसी ने जिला खत्म करा हो, चाहे किसी ने लाठियां चलवाई हो, चाहे कहीं 250 किलोमीटर के दूर के बच्चों को रोजगार देने का बोर्ड लगाया हो, तो हम सरकारों से उम्मीद ना करके ये जो गवर्नमेंट से लाइसेंस शुदा प्रॉपर्टी डीलर प्राधिकरण बन गए हैं, इनका इलाज करने के लिए इस जिले के किसानों को उठना पड़ेगा, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा।